गुड मॉर्निंग, जोहार जोहार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश रंजन। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है और संविदा आधारित बहाली निकालने की तैयारी चल रही है। आज एक जिला में संविदा आधारित बहाली निकली है, उसको लेकर आया है। हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन देखिए इस तरह की बहाली जमशेदपुर में निकली है। और इसी तरह से दोस्त सभी जिला में बहाली आने का पूरा चांसेस है। तो आप इसको देखेंगे तो जिले के सरकारी हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी 187 शिक्षकों की बहाली। 187 शिक्षकों की बहाली आपको जमशेदपुर से ये खबर है। और इस तरह से आप देखेंगे तो कौन कौन स्कूल में कितने रिक्त हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। कौन कौन विषय है वो सब इसमें दिया गया है, मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए कि विषय के बारे में दिया गया है और क्या इसकी शर्तें होगी, किस तरह से चयन होगा, वो भी आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। योग्यता क्या होगी सब यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से बाकी जिलों में भी नियुक्तियाँ की जाएगी, क्योंकि देखिए नियोजन नीति जो है सरकार की जो बनाया गया था वो तो हाईकोर्ट रद्द कर दिया, वो तो जान ही रहे हैं आप लोग। तो जल्दी से जल्दी सरकार चाहती है कि हम शिक्षक का जो रिक्त है पद उसको भर दें। और इसमें हालांकि एक साल के लिए अनुबंध की बात कही गई है और सेवा अच्छी रहने पर विस्तार किया जाएगा। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी जमशेदपुर से हमारे साथी हैं वो TGT और PGT में, इसमें आप कोशिश करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह से बाकी जिलों में भी बहालियाँ आएगी। सभी जिला के जितने भी हमारे मेंबर हैं, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग तैयार रहेंगे इसके लेकर के, क्योंकि जब तक नियोजन नीति बनती है तब तक सरकार जो है कुछ विकल्प निकाल रही है कि नियोजन नीति बनने से पहले ही कुछ विकल्प निकाल दिया जाए। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, 25,000 TGT और 27,000 PGT में है, तो सैलरी ठीक ठाक है। और यहाँ नीचे देखिएगा सैलरी भी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक किस ज़िले में इसकी बहाली होती है। तो सभी लोग रेडी रहेंगे, और भी किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो इस तरह का जो परफेक्ट न्यूज़ होता है वही यहाँ पर मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर पुराने हैं तो आप किसी साथी को इसको शेयर कर दें ताकि उसे भी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।